छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से खबर आ रही है, जहां रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं बारिश के कहर से गरीबों का आशियाना भी ढह गया है। गिरे मकानों से कोई जनहानि नहीं हुई, मगर आर्थिक चोट जरूर पहुंची है। जानकारी के मुताबिक सोनहत विकास खंड के गांव दामूज में दो दुधानिया और कटगोड़ी में एक कच्चे मकान गिरे हैं। मामले पर सोनहत SDM का कहना है कि जल्द क्षतिपूर्ति के लिए पटवारी को आकलन के लिए भेजा जाएगा। दूसरी ओर स्थानीय भाजपा नेताओं ने जल्द मुआवजा और PM आवास दिलाने की बात कही है। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। अभी हम लोगों ने दामोज दुधनिया का निरीक्षण किया। वहां के ग्रामीणों ने हम लोगों को बताया कि कल अतिवृष्टि हुआ है, जिससे हमारे घर गिर गए हैं। इस पर तत्काल हम लोग साथी कार्यकर्ताओं के साथ ग्राम दामोज दुधनिया का वहाँ के ग्रामीणों से मुलाकात की है, वहाँ की स्थिति देखे, वहाँ पर घर गिरे हैं। इस पर माननीय विधायक रेणुका सिंह जी को और माननीय SDM साहब को हम लोगों ने अवगत कराया। इस पर माननीय SDM साहब ने तुरंत संबंधित पटवारी को जांच के लिए आदेश दिए हैं और जल्द से जल्द मुआवजा ग्रामीणों को दिलाने के लिए आग्रह भी किए हैं। इस पर प्रधानमंत्री आवास, इन चारों ग्रामीणों के पास प्रधानमंत्री आवास भी नहीं है। ये जो 5 साल सरकार रही है कांग्रेस की, इसमें प्रधानमंत्री आवास के काम कम हुए हैं। हम लोग अब भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में, विश्व व्यवसाय की सरकार में, माननीय रेणुका सिंह जी के नेतृत्व में जितने भी हितग्राही हैं, योग्य हितग्राही हैं, उन सब के प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति करने के लिए हम लोग शासन प्रशासन से कहते भी हैं और अब ये चालू भी होने वाला है।